देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुस्लिम समुदाय में इस लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। रमजान के महीने में वोटिंग को लेकर मुस्लिम समाज नाराज है। ...2019 के महासंग्राम का बिगुल बजते ही चुनाव तारीखों पर संग्राम शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दल जहां केंद्र सरकार के प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पवित्र माह रमजान के दौरान वोटिंग पर भी सियासी बयानबाजी होने लगी है। इसकी अहम वजह कुल 543 में से 169 लोकसभा सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होना भी है। खासकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अधिकतर सीटों पर आखिरी तीन चरण में ही मतदान होना है। इस साल रमजान का पाक महीना 5 मई से शुरू हो रहा है, यानी 6, 12 और 19 मई को होने वाली आखिरी तीन चरणों की वोटिंग रमजान के दौरान होगी। चूँकि रमजान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सुबह सवेरे से शाम तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं, ऐसे में सवाल उठाए जाने लगे हैं कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन राज्यों के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कम रह सकता है, और अगर वोटिंग का गणित ऐसा रहा तो स्थानीय तौर पर मुस्लिम मतदाता जिन पार्टियों को भी वोट देते हैं उनकी विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा, और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि आपने चुनाव की डेट अनाउंस कर दी, मगर रमज़ान अल्लाह का मुकद्दस महीना है, इसको हम शहरुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का महीना है, और कम से कम इस वक्त रमज़ान में मुसलमान भाई भी वोट देने के लिए निकलते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगती है, वो भी मतदान केंद्रों पर जाते हैं, और रोज़े का आलम है, महीना ज़ाहिर बात है जिस तरीके से है तेज़ गर्मियां हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग इसकी तारीख को चेंज कर दे, और इसकी तारीख को चेंज करके ऐसी तारीख में रखे कि रमज़ान न पड़े, क्योंकि रमज़ान में पूरे मुल्क के मुसलमान डिस्टर्ब होंगे, और वो डिस्टर्ब ही नहीं होंगे बल्कि वो एक तरफ उनके लिए अल्लाह का महीना है, दूसरी तरफ चुनाव है, दोनों को अच्छी तरीके से निभाना है। माना जा रहा है कि देश के तीन बड़े राज्यों यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में रमजान के दौरान वोटिंग का ज्यादा असर देखा जा सकता है। ये तीन राज्य न सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से बड़े हैं, बल्कि यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या भी निर्णायक भूमिका में रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीन राज्यों में ही सिर्फ 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होगी, बिहार के 21 सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 31 सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। इस बार यहां 6 मई को 5वें चरण के तहत 7 सीट, 12 मई को 6ठे चरण के तहत 8 सीट और 19 मई को 7वें चरण के तहत 9 सीटों पर मतदान होना है, यानी रमजान के दौरान कुल 24 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 12 मई को वोटिंग कराई जाएगी। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, यूपी में 20% और पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर जरूरी की कॉन्ट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमज़ान के बारे में क्या मालूम? रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर, और हमको बहसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक, तो रमज़ान में तो हो ही गया ना इलेक्शन, रमज़ान में तो हो ही गया इलेक्शन, 5 मई से रमज़ान शुरू होगा तो 5 मई से पहले पूरे इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग, कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो ये लोग हमको हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें,
मुझे मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इन तीन राज्यों के सियासी समीकरण को देखा जाए तो यूपी में 2014 के चुनाव में बीजेपी को एक तरफा 71 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस चुनाव में हालात जुदा हैं। सपा बसपा दोनों एक साथ आ गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ दलित और मुस्लिम और यादव वोटर एक साथ आ सकते हैं। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने कांग्रेस, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का एक छत्र राज है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां टीएमसी ने 42 में से 34 सीटों पर बाजी मारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।